स्मृति नगर में निर्माणाधीन ईएसआई हॉस्पिटल द्वारा स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित की सेंट्रल एवेन्यू की ओर बनाए जा रहे द्वार के निर्माण से स्मृति नगर वासियों में भारी आक्रोश व्याप्त था, जिसे गंभीरता से लेते हुए संस्था द्वारा सीपीडब्ल्यू के अधिकारी को संस्था की निजी सड़क पर द्वार न बनाकर मॉल की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर द्वार बनाने हेतु लिखित आग्रह किया गया, किंतु निर्माण जारी रहा। उपरोक्त निर्माण के विरुद्ध संस्था के अध्यक्ष राजीव चौबे एवं स्मृति नगर निवासी सीए संजय कुमार ने व्यवहार न्यायालय दुर्ग में वाद प्रस्तुत कर स्मृति नगर की निजी सड़क पर अस्पताल का द्वार न रखने की याचिका लगाई, जिस पर माननीय न्यायालय ने अंतिम निराकरण तक द्वार निर्माण पर रोक लगाने तथा संस्था की सड़क पर हॉस्पिटल निर्माण कार्य हेतु भारी वाहनों का प्रयोग नहीं करने का आदेश पारित किया है। हाईकोर्ट नहीं है, सत्र न्यायालय दुर्ग में प्रकरण दर्ज हुआ था। ईएसआई का एक अस्पताल बन रहा है, स्मृति नगर क्षेत्र से लगा हुआ है और स्मृति नगर क्षेत्र में ही कह सकते हैं, शासकीय भूमि पे लगा बन रहा है वो। तो जो अस्पताल बन रहा है उसको दो सड़कें मिलती हैं, एक तो जो मुख्य मार्ग है जो अपोलो हॉस्पिटल और आगे मॉल की तक जाता है नेहरू नगर से, वो मेन रोड है जिसपे उस हॉस्पिटल को पूर्व की तरफ फेसिंग मिल रही है, और दूसरी रोड हमारी स्मृति नगर की है जो उसको उत्तर की तरफ जो फेस मिल रहा था। तो अपोलो हॉस्पिटल वाले, मतलब आप उस क्या बोलते हैं ईएसआई हॉस्पिटल वालों को बार बार बोलने के बावजूद वो मान नहीं रहे थे। उनके जो ठेकेदार हैं, उनके जो अधिकारी हैं, उनसे संपर्क किया जा रहा था, वो हमारी सड़क को क्षति पहुँचा रहे थे। लगातार निर्माण कार्य के दौरान भी क्षति पहुँची, और उसके बाद दो बड़े बड़े गेट जो मेन गेट उन्होंने हमारी रोड पर खोल दिए, जिसकी स्मृति नगर के सभी लोगों को आपत्ति थी कि इतने बड़े अस्पताल का मुख्य द्वार यदि हमारे सड़क पे खुल जाएगा तो हमारी पूरी व्यवस्था जो है वो अस्त व्यस्त हो जाएगी। हमारी यातायात की व्यवस्था लेके सारी व्यवस्थाएं, भीड़ रहेगी, ठेले खोमचे लगेंगे, अब दुनिया भर के न्यूसेंस होंगे। तो उसको लेकर स्मृति नगर वासियों में बहुत ज़्यादा रोष था, और हमारे बार बार लिखने के बावजूद इनके कान में जूं नहीं रेंग रही थी। इनके अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, इनको लिखित दिया गया, लीगल नोटिस दी गई, जब ये नहीं माने अंततः हमने सत्रन्यायालय में एक वाद दायर किया, और उस वाद के अंतर्गत माननीय न्यायाधीश ने हमको उस प्रकरण में स्थगन दिया है कि जब तक प्रकरण का निराकरण नहीं होता तब तक ईएसआई हॉस्पिटल द्वारा स्मृति नगर की जो सड़क है उस पर मुख्य द्वार अपना नहीं बनाया जाएगा, और भारी वाहनों का प्रवेश भी जो है स्मृति नगर की सड़क पर वर्जित कर दिया गया है।